राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश में आजादी के अमृत महोत्सव और विधिक सेवा के अंतर्गत रविवार को देपालपुर के समीप मेढकवास के इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर मेले का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें विधिक सेवा योजना की जानकारी एवं शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ प्रदान किया गया। इस शिविर की सहायता से आम लोगों को कानूनी सलाह दी गई और कानून की सहायता प्राप्त करने के तरीके बताए गए। वहीं ग्रामीणों से जनसंपर्क अभियान में लोगों को विधिक सेवा सहायता गतिविधियाँ, लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजना तथा राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी गई। देपालपुर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज उनका समापन दिवस है और इस समापन दिवस पर निश्चित तौर पर मेगा कैंप का आयोजन, जिसमें करीब 15 विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं तथा केंद्र शासन एवं राज्य शासन विस्तृत रूप में दी जा रही है। निश्चित तौर पर यहाँ पर उपस्थित होने वाले सभी लोग लाभान्वित होंगे। जहां तक इस जब हम 15 अगस्त 1947 उसके लिए विध्वस्त ऐसे में अशिक्षा एवं गरीबी की बहुत बड़ी समस्या थी और इसलिए समाज के अंतिम छोर पर खड़े इस वर्ग के लिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने कुछ लक्ष्य निश्चित किए। राज्य की पहली आवश्यकता थी और उसी कार्यक्रम में संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी नागरिकों के लिए 2021 से लेकर 14 नवंबर 2021 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक पहुंच कार्यक्रम एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था पूरे देश में एक साथ। उसी के तारतम्य में आज इस मेगा कैंप का आयोजन मेढकवास देपालपुर में किया गया है और इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजन है कि समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आर्थिक साधनों की विपन्नता के कारण या आर्थिक विपन्नता के कारण अपने अधिकारों से किसी रूप में स्वयं को वंचित महसूस कर रहा है, अथवा ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बंदी है, जेल में निरुद्ध है, उसके पास आर्थिक अक्षमता के कारण अधिवक्तागण को नियुक्त करने का की शक्ति नहीं है उनको, अथवा ऐसे व्यक्ति जिनके किसी प्रकार के विधिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वह अपने ऐसे अधिकारों की पूर्ति के लिए किस प्रकार विधिक सेवा से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि हमारे यहाँ बिल्कुल निःशुल्क विधिक सेवा दी जाती है, एक सक्षम अधिवक्ता दिया जाता है, इसके अतिरिक्त अधिवक्ता जो आपके केस में या किसी भी व्यक्ति के केस में जो कार्रवाई करता है उसकी निगरानी रिटायर्ड न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है। इस प्रकार हमारा कार्यक्रम ये है कि इस समाज का हर व्यक्ति, चाहे वो कहीं पर भी हो, वह अपने विधिक अधिकारों से परिचित हो, वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और यदि किसी कारण उसे ऐसे उसके अधिकार जो कि संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं या उसके कोई प्राकृतिक अधिकार हैं, नैतिक अधिकार हैं, यदि उसको उनसे वंचित किया जा रहा है तो वह हमारे तहसील विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा समिति, विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, अर्थात नीचे स्तर के न्यायालयों से लेकर जो ओरिजिनल स्तर पर न्यायालय है वहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक निःशुल्क विधिक सेवा का, विधिक सेवा सहायता देने का प्रावधान है, उनका लाभ उठाएं। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।